अज का ये जो समागम है ये मेरे हिसाब का काफ़ी विलक्षण ते वक्री तरह का समागम है। तो इस करके भी कि सतनाम चांदा ने जिस तरह पूरी भारतीय दर्शन परंपरा में इस किताब के वक् वक् लेखा राही संजोया समोया एक नरेटिव सिरजन का यत्न किया तो अपने आप के इस वेले इस देश की सब तो वड्डी जरूरत है। आप सारे जानते हैं कि यह देश जे दर्शन परंपरा की गल करिए ऋग्वेद तो शुरू हो के वक् वक् विचारधारक भरावान भी गुजरता होया जिसे नाथ योगी भी आए जिसे सूफी मत भी आया जिसे गुरमतारा भी आई तो जिसे अगों इस देश की आजादी का स्वतंत्रता का एक बड़ा संग्राम भी लड़िया गया और उस संग्राम को लड़द्या जड़िया गल् सब तो ज़्यादा इस समाज को प्रभावित करने वाली सामने आईया वो सी कि इस देश की एक सर्वसांझी भावता वाली उस टेंज नूं उभारना और वड्डे रूप दे विच उहदे लई जिहड़ा विचारधारक चेतना पैदा करना तो इस देश नूं उस पासे वल लैके जाना जिहदे नाल कि देश ना सिर्फ आजादी की लड़ाई लड़ के अपने स्वै जिहड़ी उस तंत्रता की स्थापना करे सगों एक चंगे समाज की सिरजना भी करे। तो आप सारे नूं पता है कि वह सुपने जिहड़े ने वो अंशिक रूप में साडे सामने जरूर साकार होए लेकिन जिस तरह की सिरजना करन दा अहद जिहड़ा इस देश के चिंतकों ने किया आजादी संग्राम के योधिया ने किया शायद वो गोल प्राप्त नहीं हो सकया उस मंजिल तक आप सारे नहीं पहुँच सके। तो अज जिस तरह यह देश जिन्हों पासों फैल रहा वो अपने आप के बहुत बड़ी चिंता का विषय बनया हुआ है। जदों साडियां सारियां परंपरावां जो साडे देश नूं अगे लिजाण वालियां विचारधारक परंपरावां सी उहनां नूं भी एक तरह का पुट्ठा गेड़ा दिंदा जा रहा है और इहो जिहे समें दे विच इहो जिही किताब आउणी कि समुचे भारतीय चिंतन नूं एक नवीं व्याख्या दे नाल उजागर करना वो अपने आप दे विच बहुत मुलवान कारज है। तुसीं जदों ये विचार सुनोगे सारे बुलारियां दे तो जदों तुसीं इस किताब दे विचों गुजरोगे तो कुदरती तौर पर मैं ये समझदा कि तुसीं उहो जिहे नहीं रहोगे जिहो जिहे तुसीं इस वेले हो जां कोई भी पार्टी इस वेले है। इस किताब की एक खासियत है कि यह किताब साडी सारी उस परंपरा नूं ना सिर्फ उहदी व्याख्या कर रही है सगों कोई परंपरा किस पासे नूं जानी चाहीदी है यदि भी स्पष्ट निशानदेही करने का जन्म मिलती है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता सतनाम चांदा जी का जिन्होंने अपने इस नज़रिए एक दलील बा दलील द्वार एक तरह नाल साडियां जिहड़ियां रवायती परंपरावां ने उन्होंने रद्द भी किया कि जो नवें सिरे तों सोचा जाना चाहिए उन्होंने सामने लैके भी आता। इस करके बहुत जिहड़ा ये जरूरी है कि यह किताब जी है वो सारे आप पढ़िए भी ये विचार भी करिए और मैं समझदा कि ये साडे रवायती जिहड़ा सोचण दा ढंग है उहदे विच खल जरूर पाएगी। इन्हां शब्दों के नाल मैं जिहड़ा तुहाडा सारिआं दा स्वागत करदा कि तुसीं एड्डी वड्डी गिणती दे विच इत्थे आए हो और लोकमंच पंजाब वल्लों भी ते पंजाबी साहित्य अकादमी लुधियाणा वल्लों भी मैं तुहानूं जी आया आपका बहुत बहुत धन्यवाद।